का वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन भाइयों का जिनका सपना होता है आर्मी, बिहार पुलिस या एनी स्टेट पुलिस का, ठीक है। दो टाइगर हमारे एकेडमी के खड़े हैं बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, दोनों ने बेसिक ट्रेनिंग अपना कंप्लीट करके आए हैं और आपको सारा वीडियो इनका देखेंगे, कब इन्होंने अपना रेस मारा था, कब इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था और वर्दी ट्रेनिंग भी हो रहा है और फाइनली इन्हें वर्दी में आया, प्राउड फील होता है दोस्तों ना। अभी इनसे जानेंगे कि कैसे क्या रहा, एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे और जो भाई मेरा तैयारी करता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी अंदर से जुनून हो जाएगा डबल, ठीक है। तो चलिए आज दोस्तों बड़ा लंबा नहीं करेगा, हम नहीं बोलेंगे आज ये बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज इनसे ही पूछते हैं हमारे दोनों टाइगर बिहार पुलिस वाले, ठीक है। बोलो भारत माता की जय। तो चलो आज जानते हैं ना भाई साहब दोनों का, ये भाई अपना नाम बता दो। मैं सिपाही नंबर 563 मोहम्मद असिफुल्ला, बीएसएफ 2 डिहरी। मैं आया था फील्ड पे तो दौड़ता था, जो भी देन है सब सर का देन है, क्या बताया आप लोगों को। ट्रेनिंग तो चल रही है बहुत बढ़िया है। क्या है इनको आप क्या बोलोगे जो बिगनर है, दो राउंड तीन राउंड रनिंग करते हैं, क्या बोलोगे इनको? दो तीन राउंड से तो थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी अंदर बहुत ट्रेनिंग क्या होता है? अंदर ट्रेनिंग में होता है कि मतलब पीटी में भी दौड़ना पड़ता है, रोज कितना किलोमीटर हो जाता है? रोज 10 किलोमीटर तो हो ही जाता है। जो नया यंगस्टर आने वाला है वो कैसे में तैयारी कर रही है बता दो आप, जैसे नए बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर दिया बिहार पुलिस अभी आने वाला है वो कैसे तैयारी करे? क्या बताए सर, जो बताते हैं आप लोग उस बातों को फॉलो कीजिए, ठीक है, और इनको कहो बातों का अमल कीजिए, परफेक्ट है एकदम, ऐसी है कि दौड़ निकलेगा। हम तो आए थे तो फील्ड पर बहुत टाइम लगता था, मेरा बहुत टाइम लगता था, सिनपिन भी मेरे पैर में हो गया था, मात्र 10-15 दिन ही थे सर हमको दौड़ाया, उतने में मेरा टाइम बहुत कम हो गया, 5-3 के लपेट में आ गया और जाकर मैं अच्छे खासे नंबरों से पास कर गया, फिजिकल में पास कर गया। मिथिलेश आपने इनका आज सेकंड वीडियो देखा, फाइनल सिलेक्शन के बाद वर्दी में फर्स्ट टाइम आया, शशि बोला अपना सेकंड टाइम आया वीडियो में, ठीक है। मिथिलेश कौन सा फोर्स मिला, कौन सा कैसा ट्रेनिंग चला आप इनसे बताया ना, और जो नए लड़के उनको मोटिवेट करें। क्या बात है, क्लैप क्लैप। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं समस्तीपुर जिला बॉल से हूँ और समस्तीपुर में ज्वाइन किया हूँ और मेरा अभी तक ट्रेनिंग आराम है, चल रहा है। और ट्रेनिंग की आप लोग की बात करें तो सबसे पहले अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। डिसिप्लिन एक ऐसा बुनियाद है जो इंसान को कहीं से कहीं पहुँचा सकता है। अगर डिसिप्लिन हमारे जीवन में अगर नहीं रहे तो हम फौज में है या पुलिस में है, कुछ भी है या आम इंसान है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। छोटे थे घर से मिलता है डिसिप्लिन, कुछ बड़े होते हैं तो माता पिता से मिलता है डिसिप्लिन, और कुछ करने के लिए जाते हैं तो हमारे गुरुजन होते हैं डिसिप्लिन, जैसे सर हैं, और सर से आगे कुछ बढ़े तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग देते हैं वो है मेरे गुरु, जो डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं। डिसिप्लिन एक ऐसा जो बोलते हैं ना कि कोई भी, या बांस टेढ़ा होता है अगर बांस को भी चाहेंगे आदमी डिसिप्लिन की वजह से, कुछ भी की वजह से, तो उसको सीधा कर सकते हैं। लोग बोलता है कि बहुत कुछ बोलता है लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है कि डिसिप्लिन होता है। ये जो आने वाले हैं उनको क्या बताओगे, जब अभी बस फिजिकल स्टार्ट होगा, जैसे रिटर्न का रिजल्ट आएगा वो तैयारी कैसे करें? रिटर्न का रिजल्ट वो आने वाला है तो हम कहें कि जो अगर रिजल्ट अच्छा पूछा था, क्वेश्चन अच्छा पूछा था, लेकिन अगर 60% जिसका भी नंबर है 60-70 के अंदर अपना फिजिकल तैयारी करें, हमें लग रहा है कि 95% ऐसा है कि मैंने उसका रिजल्ट हो जाएगा, होगा। जो जी जान लगा कर मेहनत करता है, आगे पीछे नहीं देखता है, उसका जरूर होता है। ट्रेनिंग तो अच्छा रहता है यहाँ पे, तो इतना भाई साहब ने मेहनत किया था इसने मिथिलेश ने, और बहुत अच्छा मेहनत, कितना ट्रायल था यहाँ पे? यही 5-10-12 ट्रायल का, ठीक है। अब यहाँ पे पता है आपको फिजिकल पे मेरिट बनता है। दोस्तों आपने दोनों एक्सपीरियंस हमने शेयर कर दिया इन भाइयों से, ठीक है। आने वाली जो भर्ती है जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया वो अपना स्टार्ट कर दे, क्योंकि फिजिकल में आपको कम से कम 84 नंबर, आपको अगर जनरल कैटेगरी हो चाहे किसी कैटेगरी 84 आप टारगेट करोगे बिल्कुल आप भर्ती हो जाओगे, ठीक है। अब पूरी टारगेट 100/100 करो, आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, बिल्कुल आपका 100/100 नंबर आएगा। मगर आपके में कुछ होने वाला नहीं है, 20 नंबर 30 नंबर से कुछ नहीं होगा। और आपको हाई जंप के लिए बता दूं तो
चार अर्थ निश्चयली क्लियर करना पड़ेगा तभी मेरिट बनेगा। और गोला तो कोई भी फेंक देता है 20 फीट फेंका जाएगा बस। चलिए दोस्तों बहुत बहुत आपके एक्सपीरियंस, आज वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म कर सकते हैं।